हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग है, जब मैं गई थी बैंगलोर लास्ट वीक, किसी काम से गई थी मैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। तो चलिए देखते हैं, जितना मैंने शूट किया आपको दिखा देती हूँ। तो ये है बैंगलोर सिटी। तो ये सुबह का वक्त है, करीब 1:30 हो गए थे। तो ये हम निकल रहे हैं इंद्रानगर की तरफ। सुबह का वक्त था इसलिए उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बारिश नहीं थी वो एक अच्छी बात है। देख सकते हैं कितनी हरियाली है बैंगलोर में, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बैंगलोर छोड़ के बेलगाम के लिए शिफ्ट हो रही हूँ, तो तब जब मैं निकली थी और थोड़ा सामान रह गया था बैंगलोर में, तो वही सामान लाने के लिए मैं यहाँ पे बैंगलोर आई हूँ। और हमारा एक शॉप था जो कि हम सोच रहे थे कि उस पर उसको रेंट पे दे दें या तो लीज़ में दे दें, फिर हमने उसको बेच ही दिया है क्योंकि बार बार जाना आना भी नहीं होता है। तो ये है इंदिरा नगर। हमने ये शॉप जो है बहुत ही प्यार से पूरा सेट किया था और अच्छा चल भी रहा था माशाल्लाह। लेकिन जब से मैं यहाँ बेलगाम आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वो वहाँ पे अकेले रहेंगे, लेकिन 15 डेज थे वहाँ पे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई, बहुत ही शुगर बढ़ गई उनकी, इसलिए फिर उनको यहाँ पे बेलगाम बुला के लेना पड़ा। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम सब एक के साथ रहेंगे यहाँ पे बेलगाम में, और शॉप को जो है हम दे देंगे। तो शॉप देना पड़ा तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इतने प्यार से हमने इसको अच्छे से सेट किया था और माशाल्लाह चल भी रहा था, तो इसको देना हम नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा। और सोचे थे कि इसको रेंट पे दे देंगे, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत भी है, इसलिए फिर उसको हमने किसी और को दे दिया। बेंगलोर में हाल ऐसा है कि आप जितना कमाओ उतना कम है, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे मैं बेलगाम में आई हूँ, ऐसा लगता नहीं कि मैं बेंगलोर छोड़ के कहीं और हूँ, क्योंकि बेलगाम भी बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे नेहरू नगर या तो तलकवाड़ी एरिया बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है, और काफ़ी बहुत अच्छे बड़े बड़े मॉल्स आए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अगले आने वाले ब्लॉग्स में बेलगाम का शहर, यहाँ पे जो सिटी है यहाँ पे, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इसी ब्लॉग में आपको बेलगाम में जो तिलकवाड़ी में एक नया सा शोरूम ओपन हुआ है जो कि BSC करके नाम का, वहाँ पे मैं गई थी। तो यहाँ इस ब्लॉग में आप आगे देखेंगे ये शोरूम, बहुत ही अच्छा शोरूम है। तो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ वो। तो ये यहाँ पे है इंदिरा नगर। चलिए आप सिटी देख लीजिए। Thank you.
ये हमारा शॉप जो कि इंदिरा नगर बेंगलोर में है, तो ये हम अब चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये 5 साल पहले लिया था हमने, लेकिन अब जबकि हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ये है अंदर का इंटीरियर, बहुत ही अच्छे से अच्छा शो बनाया था अंदर से। पूरा इंटीरियर जो है ग्लास का बनाया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको शॉप अंदर का, लेकिन की लाइट नहीं थी तो होप आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा जो कि शेल्फ्स थे ग्लास के। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बेलगाम सिटी। तो ये यहाँ पे मैं कल गई थी, तो ये बेलगाम में है तिलकवाड़ी एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा सा शोरूम ओपन हुआ है। ये कर्नाटका का सबसे बड़ा शोरूम है BSC। इतना बड़ा शोरूम, हम थोड़ा डर भी रहे थे अंदर जाने के लिए, शायद बहुत महंगा हो सामान जो कपड़ा है, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए बहुत ही खुशी हुई। बहुत ही रिजनेबल रेट से और कपड़ा का क्वालिटी भी अच्छा है। ये मटेरियल्स देखे हमने जो कि मटेरियल सिलवाना है, ये भी 140-150 मीटर पड़ा, लेकिन फिर क्योंकि मुझे पहनने के लिए चाहिए थे इसलिए मैंने थोड़े से रेडीमेड कपड़े ले लिए। तो ये है मटेरियल्स, काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी बड़ा शोरूम है और यहाँ के सेल्समैन तो इतने सारे हैं, पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। इनका स्टाफ काफ़ी बड़ा है और हर सेक्शन का अलग अलग सेक्शन से। तो चलिए इस शोरूम का लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बाहर निकलते हैं थोड़ी दूरी पे गोवा बेस पे, ये खाने के स्टॉल्स हैं, शॉप्स ऐसी है, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ खाने मिलता है और उसके ऑपोजिट में है मैक्स। तो यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो यहाँ पे पाव भाजी, डोसा और आइसक्रीम खाए हमने, तो खा के हम निकले अभी। तो ये है बाहर से जैसे ये दिखता है लाइट। बेलगाम सिटी भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है अभी, तो
मुझे तो कभी कभी लगता ही नहीं कि मैं बेंगलोर छोड़ के यहाँ पे हूँ, क्योंकि जैसे बेंगलोर में है वैसा ही एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ के लोग, यहाँ का भी खाना पीना बहुत ही अच्छा है जैसे कि बेंगलोर में। तो पछतावा नहीं हो रहा है कि मैं बेंगलोर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, बहुत खुशी है कि मैं अपने शहर में बेलगाम में हूँ। इसको यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।